नमस्कार, रफ्तार मीडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्नेहा पात्रो। तो देश में पांच चरणों में 428 लोकसभा सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है और झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर भी में से 7 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। बाकी है तो 7 और लोकसभा सीटों पर ये चुनाव। और इस चुनाव के मद्देनजर जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो तमाम अपने दावे कर रहे हैं कि जीत उन्हीं की सुनिश्चित होगी। हालांकि तैयारियां कितनी जोर शोर से है इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। झारखंड में 2 चरणों के मतदान लोकसभा चुनाव के तहत हो चुके हैं। सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग सहित 7 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। बाकी है तो 7 और सीटों का रण। 25 मई को 4 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान होना है। इसमें रांची, जमशेदपुर, धनबाद और गिरिडीह शामिल है। ऐसे में बाकी बचे 2 चरण के मतदान के लिए एनडीए और इंडिया के दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंकी है और आगे भी झोंकेंगे। झारखंड का नाम सुनते ही कौन सा दृश्य सामने आता है? एक ही दृश्य सामने आता है, नोटों के ढेर। झारखंड सुनते ही नोटों के पहाड़ देखने को मिलते हैं। याद करो हर पल, भाई कौन झारखंड? अच्छा अच्छा, वो नोटों के ढेर पकड़े गए थे, वो अफसर जेल में है, वो मुख्यमंत्री जेल में सड़ रहे हैं, वो भाइयों बहनों, सामान्य मानवी को गरीब रखकर कांग्रेस और जामुमो वालों ने अपने घरों में काली कमाई का अंबर लगा रखा है। साथियों, कांग्रेस, जामुमो और आरजेडी जैसी पार्टियों ने हमारे झारखंड को हर मौके पर लूटा है और कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। झारखंड में इस बार इंडिया और एनडीए के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है। एनडीए जहां 400 पार का दावा कर रही है, वहीं विपक्ष लगातार हमलावर होकर अपनी जीत का दावा कर रहा है। मोदी जी ने सोचा होगा कि हेमंत सोरेन जी को जेल में डाल देंगे तो यहाँ चुनाव आसानी से जीत जाएंगे, यही सोचा होगा। आप कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे तो आपको एक ऐसी सरकार मिलेगी जिससे आप पर आपको गर्व होगा। आपको गर्व होगा कि आपके देश में एक ऐसी सरकार बनेगी जो आपके लिए दिन रात काम करके, आपकी सेवा करके आपको दिखाएगी। हम अगर गिनती करते जाएंगे, सभी झुमला है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार, और झारखंड में यहाँ केंद्र एजेंसी, झारखंड में यहाँ केंद्र एजेंसी के माध्यम से यहाँ एक कानून को प्रयोगशाला के रूप में व्यवहार कर, जो जीता जगता हम सामने रखेंगे। जो हेमंत बाबू जी इस जमीन के नाम पर जेल में है, उस जमीन भूमियारी जमीन है, वो कभी कोई ले सकता नहीं है, उसका निचार नहीं चेंज हो सकता है। आज उस जमीन के नाम से जेल में है, उसी तरह को वो किस नजर से देखेगा, ये आज आपको निर्धारित करना है कि इस बार का ये जो चुनाव होना है हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चाबी है, क्योंकि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में 4 जून के बाद आ रही है तो आपके हेमंत सोरेन भी बाहर आ रहे हैं। और ये निश्चित हो चुका है, अगर आपको अपने दादा से, अपने हेमंत बाबू से, अपने प्रिय मुख्यमंत्री, पूर्व प्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से अगर प्यार है, मोहब्बत है, तो आप अपने हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को वोट करिएगा और प्रचंड मात्रा में वोट करिएगा। चाहे धूप कितनी कड़ी क्यों ना हो, आपको प्रचंड मात्रा में वोट करना है। करिएगा कि नहीं करिएगा?
ऐसे में 25 मई को और 1 जून को होने वाले झारखंड में मतदान का परिणाम 4 जून को क्या निकलेगा, ये फैसला अब जनता तय करेगी। एनडीए दावा कर रही है कि मोदी लहर से झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर जीत होगी, वहीं कांग्रेस और झामुमो इस बार भारी जन समर्थन का दम भर रहा है, लेकिन राज्य में हुए 2 चरणों के मतदान क्या कहते हैं और आगे होने वाले 7 सीटों पर मुकाबले में किसका विजय पताका लहराएगा, इसी पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस से प्रवक्ता सोनाल शांति, झामुमो से केंद्रीय सदस्य डॉक्टर नीलम मिश्रा, भाजपा से प्रवक्ता अशोक बड़ाइक और आजसू से प्रवक्ता ज्ञान सिन्हा जुड़ चुके हैं हमसे। देखिए, देश में 5 चरणों का मतदान हो चुका है, झारखंड में 2 चरण संपन्न हो चुके हैं और 2 और चरण बाकी है, 7 सीट है, मुकाबला कांटे का है, किसकी कितनी तैयारी पहला पक्ष भाजपा से लेंगे? देखिए, 4 जून 400 पार, ये सिर्फ बीजेपी का नारा नहीं, एनडीए का नारा नहीं, ये देश की 140 करोड़ जनता का ये नारा है। और हम लोगों ने ये नारा नहीं, हम लोगों ने जिस तरह से धारा 370 हटाया तो देश के सामने एक विजन रखा कि जिस तरह से देश के इतने बड़े जो समस्या थी, बीमारी थी, उसको हम लोगों ने दूर करने का काम किया 370, तो देशवासी ने भी उस आंकड़ा को स्वीकार कर उसको बीजेपी के पक्ष में 370 सीट देने का आह्वान किया और एनडीए 400 पार का नारा के साथ में आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं तो बता दूं कि हम लोग 400 पार का नारा सिर्फ बीजेपी और एनडीए का नहीं है और बीजेपी के नेताओं और एनडीए के नेताओं का नहीं है, ये देश के नारा है। और इसलिए नारा है कि पिछले 10 सालों में एनडीए शासन काल में अपने देश के यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 10 सालों में जो विकास की लंबी श्रृंखला बनी है, जो देश को देश का दुनिया के पटल पे देश का मान सम्मान स्वाभिमान जिस तरह से बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, या गरीबों को विकास की योजनाओं से जोड़ना हो या किसी जो दबे कुचले शोषित आदिवासी महिला युवा के लिए अलग अलग योजना का क्रियान्वयन करना हो, या अगर हम धार्मिक सांस्कृतिक अनुष्ठान की बात करें तो देश का जो सांस्कृतिक विरासत को फिर से दुनिया के पटल पर लाने का काम किया है, तो कुल मिला के योजना की बात करें गरीबों के लिए, बोलते ना डीबीटी के माध्यम से एक योजना उसके द्वार तक पहुंचाने के मामले में बात करें, या भव्य राम मंदिर की बात करें, या धारा 370 हटाने की बात करें, या आरक्षण को इस देश में फिर से आरक्षण जिसको मिलना चाहिए उसको हम लोगों ने बदर बखूबी हम लोगों ने उसको आरक्षण को पालन करने का काम किया है। देखिए, लड़ाई यहाँ क्या है, 400 पार मैं आपको बता रहा हूं। तो एनडीए बढ़ रही है लेकिन 300 पार की भी जो दावे है किए जा रहे हैं, 5 चरण हो चुके हैं देश में और उसमें 300 पार हो गया, एनडीए ये दावा कर रही है, लेकिन झारखंड की अगर बात करें अशोक जी, तो कयास तो ये लग रहे हैं कि बीजेपी के जो कोर वोटर्स है वही बाहर निकल के मताधिकार का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ये आपको कौन बोल दिया बीजेपी के वोटर नहीं कर रहे? मैं आपको बता दूं, अगर झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड का वोटिंग परसेंट आप देखेंगे कि अन्य अगल बगल राज्यों के तुलना में बड़ी है। मैं आपको बता दूं ये बढ़ने के पीछे कारण क्या है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब चाईबासा आते हैं तो लाखों की तादाद में उनको सुनने और देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है। जब वो सीसई आते हैं, सीसई ट्राइबल बहुल इलाका है, चाईबासा ट्राइबल बहुल इलाका है, सीसई में एक छोटा सा प्रखंड सीसई है गुमला जिला का, लोहरदगा लोकसभा का, वहां पर लाखों की तादाद में आदिवासी महिला युवा जुटते हैं। आप पलामू में जाइए तो पलामू में जो हुजूम देखने को मिलता है, आप सिमरिया की धरती में जाइए तो वहां भीगे भीगे बारिश में ओले पड़ रहे थे लेकिन भी प्रधानमंत्री जी को सुनने और देखने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा था। आप बिरनी में चले जाइए वहां पर भी देखेंगे जनसैलाब, और प्रधानमंत्री जी ने विभिन्न मंचों के माध्यम से एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में तो प्रचार किया ही, साथ ही झारखंड की जनता से अपील किया था कि घर से अधिक संख्या में मतदाता निकले और इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कीजिए, और नरेंद्र मोदी जी के अपील को झारखंड की जनता ने स्वीकार किया और झारखंड की जनता ने अधिक मतदाता में अधिक संख्या में अधिक प्रतिशत के में बीजेपी के पक्ष में मतदान किया है और वो नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में एनडीए के पक्ष में मतदान करने का काम किया है। चलिए, झामुमो का पक्ष ले लेंगे। नीलम जी, जैसा कि आपने सुना कि 400 पार का नारा जो है काफी सफल 5 चरणों में दिखाई दे रहा है, बाकी 2 चरण जो है देश में भी बाकी है और झारखंड में भी बाकी है, ये कह ले कि झामुमो जिस तरह से आगे बढ़ रही है, कल्पना सोरेन जो है जेएमएम की तरफ से उतारी गई है, उनका कॉन्फिडेंस देखते बन रहा है और कहीं ना कहीं आपकी ओर से दावा किया जा रहा है कि इस बार जो है भाजपा का सुपड़ा साफ कर दिया जाएगा। आप जो सुन रहे हैं बिल्कुल सही सुन रहे हैं, और ये लोग जो 400 पार का नारा लगा रहे हैं, अभी बता रहे थे बैग जी कि 140 करोड़ जनता की ये आवाज है कि 400 पार भाजपा करने वाली है, तो इनसे मैं पूछना चाहूंगी कि 140 करोड़ जनता में पूरे इंडिया गठबंधन के भी लोग आते हैं,
140 करोड़ जनता में वो अग्निवीर भी आते हैं, वो करोड़ों बेरोजगार आते हैं, वो किसान आते हैं, वो महिला आती है जो भाजपा से त्रस्त है। तो 140 करोड़ जनता का जो ये लोग दुहाई देते हैं ना, इसको पहले इनको समीक्षा करने की जरूरत है। दूसरी बात, पिछले चुनाव में भी ये लोगों का जो प्रतिशत था, अब देखिएगा भाजपा और एनडीए का मात्र 37% वोट इन लोगों को पूरे देश में मिला था, और आज ये लोग बात कर रहे हैं 400 पार और 140 करोड़ जनता। तो ये अपने तथ्य से तो खुद ही स्पष्ट नहीं है कि 140 करोड़ जनता इनको अगर इस तरह से 400 पार के लिए सहयोग कर रही है, तो उसमें ये गठबंधन के लोग और जो भी मैं बताई हूँ सभी लोग शामिल हैं, तो उसको तो पहले आप माइनस कर दीजिए। दूसरी बात, इन लोगों का जो 400 पार का जो नारा रहता है, ये बिल्कुल जुमला है। जैसे मोदी जी का हर बात जुमला साबित हुआ है, उसी तरह से ये 400 पार का नारा भी जुमला है। जहां पे हार का डर है, मोदी जी वहां पहुंच नहीं रहे हैं। वोट प्रतिशत जो है वो दिन पर दिन गिरता जा रहा है। और जहां तक झारखंड में वोट प्रतिशत बढ़ने की बात है, तो इसमें नरेंद्र मोदी जी का और भाजपा का कोई योगदान नहीं है, योगदान है हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का। ठीक है, दावे तमाम है और चुनाव का माहौल है, तो मतदान होगा और 4 जून को ही परिणाम जो है पता चल पाएगा। सोनाल शांति जी, कांग्रेस इंडिया गठबंधन की बात करें तो लगातार दावे किए जा रहे हैं कि जीत आप ही की सुनिश्चित होगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि मोदी की लहर चल रही है, कई लोग कहते हैं कि मोदी की सुनामी चल रही है, और इसी के तहत जो है जनता जो है इस बार वोट कर रही है। क्या लग रहा है, मोदी की लहर के आगे इंडिया गठबंधन टिक पाएगी? और ये शब्दों का थोड़ा सा हेर फेर है, मोदी जी सुनामी में बहने वाले हैं। पूरी की पूरी सुनामी किस देश जनता की चल रही है, जो मोदी जी को बहाकर इस 400 पार के नारे को, जो उनका नारा है, उसको पूरी तरह से आधे पर ले आएगी। इसलिए कि इनका दावा जिन जिन राज्यों में जितने सीटों पर रहा है उसमें वो आधे पर आ गए हैं, पहली बात। दूसरी बात, इस देश में 10 वर्षों के दौरान मोदी जी के किए गए कार्यों का हिसाब जनता, यहाँ की युवा, महिला, किसान सारे मांग रहे हैं, लेकिन वो आज अपने किए हुए कामों पर, किए हुए वादों पर जनता से वोट नहीं मांग रहे हैं, बल्कि उनका जो नारा है, उनकी जो गारंटियां हैं, उस पर वोट मांग रहे हैं। वो अपने किए हुए कामों पर वोट ही नहीं मांग रहे हैं। देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। IIT बॉम्बे, पूरे देश में 23 IIT है, 23 IIT में कैंपस सिलेक्शन का दर जानती है, जो 2022 में 19% छात्रों का सिलेक्शन, कैंपस सिलेक्शन IIT के स्टूडेंट का नहीं हुआ, बम पूरे हिंदुस्तान के 23 IIT का। 2023 में 23% स्टूडेंट का कैंपस सिलेक्शन नहीं हुआ। 2024 में ये आंकड़ा बढ़कर 38% पहुंच जाता है। जब देश के सबसे उच्च संस्थान IIT का ये हाल है, तो सोच लीजिए कि बाकी क्षेत्रों में क्या स्थिति रही होगी। तीसरी बात, इनके पास अगर ये बोलते हैं कि हम धारा 370 पर चुनाव लड़ते हैं, धारा 370 हमने हटवाया है, तो कश्मीर के 3 सीट का चुनाव हो रहा है कश्मीर में, लेकिन वहां पर भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही है। क्यों और किस डर से वहां पर चुनाव नहीं लड़ रही है? अगर इनको धारा 370 हटाने का इतना गुमान था, तो भाजपा को वहां चुनाव लड़ना था, उनको वहां पर स्थिति परिस्थिति पता चल जाएगी। तीसरी बात, कांग्रेस और अपने एजेंडों पर चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस अपने घोषणा पत्र पर चुनाव लड़ रही है, इसलिए कि देश की जनता जानती है कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। पहले भी हमने देश की जनता से वादा किया था कि हम आपको सूचना का अधिकार देंगे, हम आपको भोजन का अधिकार देंगे, जो कि हमने कानून बना दिया भोजन का अधिकार के तहत, कि खाद्य सुरक्षा कानून बना दिया, जिसके तहत आज 5 किलो राशन मिल रहा है लोगों को, झोला मोदी जी का उसमें चल रहा है। तीसरी बात, कांग्रेस कह रही है कि हम अपने घोषणा पत्र पर चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा और नरेंद्र मोदी इस चुनाव को दूसरी धारा में मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अपने एजेंडों पर, अपने घोषणा पत्र पर टिकी हुई है। हम महिलाओं को 1,00,000 रुपया सालाना देंगे, गरीब महिलाओं को, गरीब परिवार की एक महिला को मनरेगा की मजदूरी 400 दिन करेंगे। हम 30 लाख भर्तियां जो इस देश में केंद्रीय नियुक्ति जो अभी बाकी है उसमें सीधी भर्ती करेंगे 15 अगस्त से, इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, 4 जून को हमारी सरकार बनने वाली इंडिया गठबंधन की। हम गिग वर्कर, जिस क्षेत्र को किसी ने छुआ नहीं आज तक, किसी ने देखा नहीं, हम उनके उनके भविष्य के लिए एक अच्छी योजना बना कर लाएंगे। लेकिन दावे तो तमाम कर रही है कांग्रेस पार्टी, लेकिन सवाल तो ये भी खड़ा होता कि 70 साल से आपकी सरकार थी, ये दावे अभी किए जा रहे हैं, काम उस वक्त क्यों नहीं किया गया?
कितने कितने साल से दावे, 70 साल में क्या नहीं हुआ? IIT, AIIMS, DRDO, ये सब किसका बनाया हुआ है? एम्स किसका बनाया हुआ? 70 साल में योजनाएं नहीं, 70 साल हमारी सरकार थी क्या? 70 साल में, 70 साल देश को आजाद हुए हुआ हमारी सरकार है, 10 वर्षों से इनकी सरकार है, 5 वर्षों तक इनकी, इनके समर्थन से सरकार चलती रही, 70 से 80 तक हमारी सरकार नहीं रही, 70 साल से हमारी सरकार है। आज देश में डिजिटल क्रांति का दौर आया किसके कार्यकाल में आया? हरित क्रांति का दौर आया किसके कार्यकाल में आया? श्वेत क्रांति का दौर आया किसके कार्यकाल में आया? कुछ हुआ ही नहीं 70 सालों में। हवाई जहाज पर, हवाई जहाज से जर्मनी जाते थे, जापान जाते हैं, ये विकास किसके कार्यकाल में हुआ? चलिए जवाब लेंगे। और भी देखिए ज्ञान जी, 800 की अगर बात की जाए तो एक सीट पर झारखंड में चुनाव लड़ रही है और एनडीए का ही हिस्सा है, क्या रणनीति जो इस बार आप अपनाएंगे? क्योंकि पिछले बार भी सीपी चौधरी जो है उन्होंने जीत हासिल किया था, इस बार कांटे का मुकाबला दिख रहा है क्योंकि जेएमएम से मथुरा प्रसाद महतो है और आपके त्रिकोणीय मुकाबले में तो जयराम महतो भी उतर गए हैं। क्या लग रहा है आपके लिए ये चुनौती जो है कितनी बड़ी होगी? देखिए, आजसू पार्टी का पूरे झारखंड प्रदेश में 32,610 गांव में हम लोगों के ग्राम प्रभारी और चूल्हा प्रमुख, हर 10 घर में चूल्हा प्रमुख की तैयारी हम लोगों ने पूरे प्रदेश में, हमारा सांगठनिक ढांचा बहुत ही मजबूत है। कल मैं गिरडी में था, गिरडी में कल रोड शो हुआ, 10 जगह रोड शो हुआ जिसमें 3 जगह पदयात्रा हुआ है। इस प्रचंड गर्मी, इस प्रचंड धूप में 25 से 30 हजार की संख्या में हर जगह पर पद यात्रा किए गिरडी में। ये वीडियो आप लोगों को पास भी आया हुआ होगा, रफ्तार मीडिया से भी लोग गए थे। 25 से 30 हजार की संख्या में महिलाएं सड़क पर खड़ी रही और 3-3, 5-5 किलोमीटर पैदल चले, क्योंकि आजसू पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी, चूल्हा प्रमुख सांगठनिक रूप से इतना मजबूत है। और हमारे जो गिरडी के जो हमारे सांसद बने, देश में यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सहयोगी रहे और उनका फायदा गिरडी की जनता को यह मिला कि गिरडी के क्षेत्र में, आपको यह मालूम होना चाहिए, वो कोयलांचल क्षेत्र है, कोयला का क्षेत्र है, वहां इतने लोग विस्थापित हुए। विस्थापित लोगों को विगत 55-60 सालों में कांग्रेस के राज में उनका विस्थापन का कुछ किसी तरह का उपाय नहीं हुआ, कोई मुआवजा नहीं मिला, कोई रास्ता नहीं निकला। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ उनके कदम से कदम मिलाकर हमारे गिरडी के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने 23 मई कोल इंडिया के खिलाफ एक आंदोलन किया और 1 साल आंदोलन के बाद केंद्र सरकार के प्रभाव के कारण, यशस्वी प्रधानमंत्री के प्रभाव के कारण कोल इंडिया को झुकना पड़ा और कोल इंडिया के यहां दरभंगा हाउस में, झारखंड में दरभंगा हाउस में बैठक कर चंद्र प्रकाश जी के नेतृत्व में एक ट्रिब्यूनल कोर्ट का गठन किया गया है जिसके द्वारा विस्थापितों की समस्या का समाधान का एक रास्ता चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने निकाला। गिरडी की जनता यह समझ चुकी है कि ये झूठ मूठ का आंदोलनकारी और क्रांतिकारी कहने वाले लोग किसी काम के नहीं है। अब क्रांतिकारी कहने वाले लोग कल हम लोगों की भीड़ और कल हम लोगों के जनता का जनसैलाब देखकर उनकी हवा निकल गई। अब वो कह रहे हैं, मैं अगर वोट में नहीं जीता तो एक एक बेटा मांगकर मैं जंगल चला जाऊंगा, पहाड़ चला जाऊंगा। वो इनडायरेक्टली धमकी देने का काम कर रहे हैं कि मैं बंदूक उठा लूंगा, इनडायरेक्टली वो धमकी देने का काम कर रहे हैं। उन्हें डर सता रहा है कि वो हार रहे हैं, उन्हें कल जनता ने जवाब दे दिया। एनडीए गठबंधन में अभी झारखंड में एनडीए गठबंधन की सरकार नहीं है, अभी सरकार है इंडी गठबंधन वालों की। ये जो 32 के स्थानीय नीति पर वो जो आंदोलन की बात की है, ये जो नियोजन नीति है, ये जो भाषा का विवाद पर एक छोटा सा बच्चा आज क्रांतिकारी अपने आप को कहने लगा, आप ये इसका रास्ता किसने निकाला? राज्य सरकार ने। अगर 32 के खतियान पर पूरे प्रारूप को देखकर एक ठगने वाला, प्रलोभन देने वाला एक 32 तैयार करके भेज दिए जो कानूनी सर्वसम्मत से तैयार नियम नहीं था, जिसके कारण उसको फिर से वापस करना पड़ा। नीलम मिश्रा जी, राज्य सरकार पे एक प्रकार से आरोप है कि 1932 खतियान और स्थानीय नियोजन नीति जो है शुरुआत वहीं से हुई और युवा जो है इसको लेकर अभी आंदोलन करने में उतर आए हैं। देखिए, इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने के पहले, किसी बहुतों को शौक होता है ना, बहुत आजकल के बच्चे और युवा महत्वाकांक्षी हो गए हैं
और कुछ कुछ मुद्दे को उठा करके अपना पॉलिटिकल पार्टी बना करके चुनाव लड़ते हैं, ये उनकी बात है, उस पर हमको नहीं कुछ बोलना है। लेकिन आप अगर 1932 का खतियान आधारित नियम कानून का जो बात है, आप देखिएगा कि हमारी सरकार ने विधानसभा से पारित करके राजभवन भेजने का काम किया था। यही भाजपा की सरकार है जिनके दबाव में आकर के राजभवन में उसको दबा दिया गया, उसको आगे नहीं बढ़ाया गया, 1932 को वहीं रोक दिया गया। उसी तरह से सरना धर्म कोड को भी हमारे विधानसभा से पारित करके राजभवन भेजा गया और उसको पुनः वहां दबाने का काम किया गया। इसी पे तो सवाल उठता है ना कि राजभवन आखिर किसके इशारे पे काम करती है, आखिर राजभवन और राज्यपाल इतने भाजपा के दबाव में क्यों रहते हैं और किस तरह से संविधान पे प्रहार किया जाता है, लोकतंत्र पे प्रहार किया जाता है, ये आज स्पष्ट हो चुका है। और जहां तक देखिए बात है जॉब का, आज झारखंड अलग राज्य हुए, यहाँ पे भाजपा का लंबा समय तक शासन रहा, 17 से 18 वर्ष तक झारखंड में इन्होंने अपना सरकार बनाया, सत्ता पे काबिज रहे, लेकिन आज यहाँ की युवाओं को और झारखंड की जो स्थिति है उसको इतना दयनीय बनाने का जो कारण है ये एकमात्र भाजपा है। हमारी सरकार अभी बनी है और हमारी सरकार बनते ही कोविड आई, सब जानता है, 2.5 साल की सरकार है हमारी, 5 साल की जगह हम लोगों को मात्र 2.5 साल समय मिला है, आपको पता होगा। उसके बावजूद भी जो रघुवर दास के समय में एक भी जेपीएससी एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पाया था, एक भी एग्जाम रिजल्ट आउट नहीं करवा पाया था, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने 4-4 एग्जाम का जेपीएससी का रिजल्ट घोषित कराया, रिजल्ट निकलवाया। ठीक है, जवाब देना चाह रहे हैं, शॉर्ट में दीजिएगा, उसके बाद अशोक जी आपके पास जाएंगे। युवाओं और विस्थापितों की बात ये लोग करते हैं, वो भी कहता कि आपको पता होगा, ये डबल इंजन सरकार की बात करते हैं, डबल इंजन सरकार थी ना पिछली सरकार में, अशोक जी के पास जाएंगे। अशोक जी जवाब देना चाह रहे थे, 65 और 85 में भी सर्वे हुआ है, 24 जिलों में से 32 का खतियान जो है वो सिर्फ 7 जिलों में है, बाकी जिलों में 65 और 85 है, उनका क्या होगा, इसलिए इनका ये 32 वाला वापस आया था। ये बिल्कुल झूठा आरोप है कि भाजपा और राजभवन के दबाव में वापस किया गया। ठीक है, नीलम जी आप ही के जवाब ले रहे हैं। अशोक जी देखिए, ये लोग बहुत आदिवासी झारखंडी और झारखंडी तो आदिवासियत की बात करते हैं, मैं इनका चाल चरित्र मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ। नीलम जी ये लोग अपने आप को झारखंड आंदोलनकारी बोलते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग, पीवी नरसिम्हा राव जी के सरकार में सीपू सोरेन जी उनके 3 सांसदों ने पैसा लेकर झारखंड आंदोलन को बेचने का काम किया था और आज ये लोग आंदोलनकारी बनते हैं। ये तो खैर मनाइए कि सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, बीजेपी सरकार एनडीए सरकार ने आदिवासी की मांग थी, यहाँ के मूलवासियों की मांग थी कि झारखंड अलग राज्य होना चाहिए और अटल जी ने उसको देने का काम किया। और तो और, अभी इन लोगों ने सरना कोर्ट की बात की, मैं बता रहा हूं, देखिए आप बहुत मंझे हुए पत्रकार है, एक बार जरा इनसे पूछिए, नीलम जी से, मैं तो आदिवासी समाज से आता हूं, कि इनसे पहले किसी भी धार्मिक कोड को किसी राज्य स्तर पर दिया जाता है कि देश के स्तर पर दिया जाता है? कोई भी धार्मिक कोड देश में जब लागू होती है तो वो राष्ट्रीय पटल के लिए लागू होती है, किसी राज्य विशेष के लिए नहीं होती है। ये लोग बोलते हैं कि हम झारखंड से सरना कोड की मांग, हम प्रस्ताव को पारित कर दिए। अरे आपकी सरकार, कांग्रेस की सरकार बगल छत्तीसगढ़ में भी थी, आपने वहां भी सरना कोड की मांग हुई थी, आप क्या छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार थी, वहां से आपने सरना कोड का प्रस्ताव पारित किया था? आपकी कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में थी, वहां सरना कोर्ट का प्रस्ताव विधानसभा से पारित हुआ था? आपकी सरकार तेलंगाना में है, आपने वहां सरना कोर्ट के प्रस्ताव पारित किया था? आपके इंडिया अलायंस के सर पार्टी वो तृणमूल कांग्रेस बंगाल में, क्या वहां से सरना कोर्ट का प्रस्ताव पास किया था? आपके सहयोगी दिल्ली में आम आदमी पार्टी, वहां क्या विधानसभा से पास हुआ था? देखिए आप लोग सिर्फ आई वॉच करते हैं, झारखंड आते हैं तो आप लोग बोलते हैं सरना कोर्ट देंगे। और तो और, मैं इन लोगों का काला चिट्ठा खोलना चाहता हूं, सुदर्शन भगत जी 2013 में सांसद थे, पार्लियामेंट में उन्होंने बात रखा कि झारखंड छत्तीसगढ़ बंगाल उड़ीसा मध्य प्रदेश असम और अंडमान निकोबार के कई ऐसे आदिवासी समूह है जो सरना कोर्ट की मांग कर रहे हैं। आपको जान के दंग रह जाएगा, मैं तो अभी अपना लैपटॉप नहीं लाने तो इनको दिखा देते इनके सरकार का काला चरित्र। तो झारखंड विधानसभा से पास किए और जितने देश भर में आपके पार्टी और सहयोगी की सरकार है वहां से सरना धर्म कोर्ट का प्रस्ताव क्यों नहीं पारित करते? झारखंड के आदिवासी को बुड़बक और बेवकूफ समझते हैं, बता देना और कुछ नहीं है। धार्मिक कोर्ट देना केंद्र सरकार का काम है, अगर सरना धर्म कोड अगर भाजपा सरकार को और मोदी सरकार को नहीं देना, पहले अपना मनमोहन सिंह सरकार का बात कीजिए ना, आपकी सरकार ने उस प्रस्ताव को निरस्त किया था कि सरना को नहीं मिल सकता है।
कांग्रेस ने अपने अपने घोषणा पत्र में यह दावा किया है। आपके घोषणा पत्र का सरना कौन कहा है? आपने न्याय पत्र दिया है, आप कुछ न्याय नहीं कर रहे हैं। आपका अगर इतना सरना कौन से प्यार है तो झारखंड की जनता को बताइए, आपके मैनिफेस्टो में सरना कौन का जिक्र है? नहीं आपके मैनिफेस्टो में, पूरे मैनिफेस्टो में है। और राहुल गांधी जी ने अपने हर मंच से यह दावा किया। मंच से बोलने में क्या है? हमारे घोषणा पत्र होगा, देश की जनता को बताना कि मेरा मुद्दा यह है। आपके मुद्दा में सरना कोट शामिल नहीं है। इनके पास जब अपने सांसदों द्वारा कराए गए कामों का हिसाब देने को कुछ नहीं मिला, इन्होंने धनबाद में, चतरा में, दुमका में, सिंघू में, लोहरदगा में, सभी जगह प्रत्याशी बदल दिए, ताकि इस बार मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी अपनी गारंटी पर, इस बार मोदी की गारंटी है, भाजपा की गारंटी नहीं है। सरकार बनेगी तो भाजपा की नहीं बनेगी। अब तो समस्या आप लोगों की राहुल की गारंटी चल नहीं रही है, मोदी जी की। झारखंड आ रहे हैं, आपका कार्यक्रम तय तक फिक्स हो जा रहा है, तो दोबारा अभी नहीं चाह रहे कि राहुल गांधी का कार्यक्रम देश में, देश में भैया राहुल गांधी की गारंटी नहीं ले पा रही देश वाली, तो ये आपकी समस्या है, बीजेपी की समस्या नहीं है। 200 सीटों पर बाहरी दलों से आए कार्यक्रम में, वो तो बबली को भेज दिए, बंटी और बबली पे ही पूरा देश के देशवासी को प्रलोभन देना चाहते हैं। मोदी जी की गारंटी चल रही है, वो भी एक ऐसी झूठी गारंटी जिन्होंने की 10 वर्षों में नहीं किया। अब क्या करेंगे वो अपने कामों को भी नहीं गिना पा रहे हैं कि 10 वर्षों में उन्होंने क्या किया है। मुझे इस काम के नाम पर आप मुझे वोट दीजिए, ये मेरी गारंटी है कि मैंने ये गारंटी दिया था, मैंने ये वादा पूरा किया है, लेकिन अपने कामों के आधार पर वो वोट नहीं मांग रहे हैं। जवाब मैं देता हूं, आगे क्या करने वाले हैं उसके आधार पर वोट नहीं मांग रहे हैं, लेकिन हर जगह नीलम जी कुछ कहना चाह रही हैं। नीलम जी छोटा सा पक्ष रखिएगा, उसके बाद जल्दी से अशोक जी आपके पास जाएंगे। मैं देखिए ये कहना चाहती हूँ कि अभी इन्होंने कहा ना कि झारखंड अलग राज्य वाजपेयी जी का देन है। मैं ये आश्चर्य करती हूँ कि मतलब वाजपेयी जी का देन है और इतने लंबे समय से जो झारखंड के लोग संघर्ष किए, हजारों लोग शहीद हुए, हजारों लोग अपनी शहादत आंदोलन के लिए जेल गए, नहीं हुआ था। माउंट बेटन आए 1947 में, भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित किए और भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित होते ही भारत आजाद हो गया। और 1915 से लेकर के 1947 तक भारत में जो आंदोलन चला, स्वतंत्रता आंदोलन चला, हजारों लोग शहीद हुए, फांसी से चढ़े, जेल गए, आंदोलन की बात की है, स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत लोग शहीद हुए थे, उसको हम लोग मानते हैं, वो पूजनीय है, वो आदरणीय है, पहले भी स्वार्थ था, आज भी स्वार्थ है। चलिए सोनाल जी आप आपसे उत्तर ले लेना चाहिए कि भ्रष्टाचारी और भारत में मोदी जी के समय की कहानी है। चुनाव लड़वा रहे हैं, सांसद बनवा रहे हैं, भानु प्रताप शाही दलित घोटाले के आरोपी थे, जेल गए, उसको उनको अपने दल में शामिल करके उनको टिकट देकर इसी भाजपा ने विधायक बनाया हुआ है। छगन भुजबल, हेमंत बिस्वा शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, अजीत पवार, अशोक चौहान, ये सब तो दूध के झूले हुए हैं, ये सब पूरी तरह से पाक साफ है, इन पर कोई आरोप नहीं है। शाम में प्रधानमंत्री मोदी स्वयं आरोप लगाते हैं महाराष्ट्र में कि हाँ ये व्यक्ति हजारों करोड़ का सिंचाई घोटाला का आरोपी है, यह मार रही है, तो नोटों का बंडल आपको मिल रहा है, घर के ईडी छापा मार रही है, तो बंडल का बंडल, बोरे का बोरा नोट मिल रहा है, आपके बारे में आलमगीर आलमी का रुपया मिला, उसके बारे में बोलिए, आप पर आरोप लगाते हैं, आपके बारे में बोलिए, थोड़ा जनता को जवाब दीजिए, किसका रुपया है ये, उस गरीब जनता का रुपया है, किसका भलाई की बात कर रहे हैं, उसका जवाब दीजिए। पीए के नौकर के घर से मिल रहे हैं, अभी तक एक चवन्नी न तो मंत्री आलमगीर आलम के पास से मिला है, न तो हेमंत सोरेन के पास से मिला है, सब 35 आधार पर भाजपा के लोग, लेकिन संलिप्तता नहीं है सर, तो फिर मंत्री जी अरेस्ट कैसे हो गए, ये भी तो सवाल है। और सवाल ये भी है कि नौकर के घर से अगर पैसे मिल रहे तो मंत्री के घर पे कितने पैसे होंगे? पूरे देश में एक नैरेटिव सेट करके आज यहाँ सिर्फ विपक्ष 10 साल से हम सत्ता में नहीं है, लेकिन पैसे कांग्रेस के पास है,
तलाशियां कांग्रेस की जाती है, भ्रष्टाचार इनके पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर आदेश नहीं दिया होता तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड का घोटाला सामने नहीं आया होता कि किन किन कंपनियों से चंदा दो और धंधा लोग की तर्ज पर चंदा लिया गया। पूरे देश में 10 वर्षों में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी, जिसने कि देश के हर जिले में अपना हाईटेक कार्यालय बना लिया है। कांग्रेस तो 50 सालों से इस देश में शासन करती रही, उसका अपना कार्यालय, प्रदेश मुख्यालय आप लोग आकर देख सकते हैं कि कैसा हो सकता है। तो उसको साबित करना, कन्विक्शन जवाब ले लेंगे, लेकिन यहाँ पर आखिरी सवाल मेरा होगा क्योंकि पक्ष सबसे लेंगे एक एक करके, क्योंकि समय की कमी है। देखिए, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था जो है इससे जनता भी नाराज है, और झारखंड में जिस तरह से मामले बाहर आ रहे हैं, क्या चुनाव में इसके असर भारी देखने को पड़ सकते हैं? पहला पक्ष भाजपा, अशोक जी आपसे लेंगे। देखिए, शॉर्ट में जवाब दीजिएगा। एक तरफ भ्रष्टाचारियों का झुंड है, दूसरे तरफ ईमानदारियों का झुंड है, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में जिन्होंने ईमानदारी की, ईमानदारी और देश का अच्छा शासन देने का काम किया, देशवासी ने देखा है। अभी इन लोगों ने मोदी की गारंटी की बात की, और आपके प्रश्न को मैं कोट करते हुए मैं जवाब देना चाहूंगा। इन लोगों ने देशवासी हम लोग को 405 क्यों देंगे? मैं आपको बताता हूँ कि पिछले 10 सालों में हम लोगों ने धारा 370 हटाने की बात की, हम लोगों ने अपनी गारंटी को पूरा किया। हमने 500 साल के वनवास के बाद प्रभु श्री राम जी को टेंट से हटाकर भव्य और दिव्य मंदिर बनाकर देश और दुनिया को सुपुर्द करने का काम किया। हमने उस गारंटी को पूरा करने का काम किया। हमने देश के 25 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर निकालने का वादा किया था, उसको निकाला। उसके बाद 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज देने का वादा किया था, जो निरंतर जारी है। और मैं बता दूं कि लड़ाई किस चीज की है, लड़ाई अभी वर्तमान में किस चीज की है। एक तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ज्ञान जी हाँ, देखिए ये जो अभी लोग बता रहे थे, इसमें सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी जी आए और कह दिए कि मैं 1,00,000 रुपया हर महिला को, आदिवासी महिलाओं को दूंगा। ये कहां से देंगे? ये जो नोटों का बंडल जमा किया सभी गरीब महिलाओं को। भ्रष्टाचार पर राहुल जी क्यों नहीं बोलते हैं? कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं बोलती है? जेएमएम भ्रष्टाचार पे क्यों नहीं बोलती है? हर बार आरोप लगाते हैं ईडी ने फंसा दिया, मुख्य सीधे साधे आदिवासी को ईडी ने फंसा दिया, आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया। ये कांग्रेस पार्टी के समर्थित सरकार जब भी बनी, पहले भी बना था कोड़ा जी के साथ कांग्रेस के समर्थन के सरकार में, उस समय के मुख्यमंत्री कहां गए? जेल गए। अभी के कांग्रेस समर्थित जो सरकार बनी है, अभी के मुख्यमंत्री का क्या हुआ? जेल गए। जिस समय कोड़ा गए थे जेल, उस समय मोदी जी की सरकार नहीं थी, उस समय मोदी जी की सरकार नहीं थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ जो भी सरकार बनाएगा, कांग्रेस झारखंड को लूटना चाहती है, और कांग्रेस पार्टी के साथ जो भी मुख्यमंत्री सरकार बनाते हैं उन्हें इतना अटैची, इतना ब्रिकेट दिल्ली पहुंचाना पड़ता है ना, कि यहाँ चोरी करना पड़ता है इन लोगों को, जिसके कारण इन लोग जेल जाते हैं, भ्रष्टाचार करना पड़ता है। कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व मिटने के आधार पर आ गया है, क्योंकि कांग्रेस देश का। चलिए जवाब ले लेंगे, जेएमएम और कांग्रेस से बारी बारी से लेंगे जवाब। देखिए, पक्ष छोटा रखिएगा क्योंकि समय की बहुत ही कमी है। जेएमएम से पहला पक्ष लेंगे, नीलम मिश्रा जी। देखिए, सबसे हसीदा बात यहाँ पे ये होता है ना कि ये लोग भ्रष्टाचार पे बात करते हैं। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से ये जाहिर हो चुका है कि सबसे बड़ा मैंने भ्रष्टाचारी पार्टी अगर कोई है, भ्रष्टाचार अगर कोई है, भ्रष्टाचार झारखंड में जो भ्रष्टाचार के मामले आ रहे हैं वो बताइए ना, वो चुनाव में कितने असर डालेंगे? कौन सा जो भी झारखंड में आ रहे हैं मिल रहा है, उसके बारे में कुछ बोलिए। जी जी जी, मैं बताती हूँ, ये जो नोटी लोग बना रहे हैं ना, भ्रष्टाचार का जो नेगेटिव दे रही है, वो जवाब दे रही है, उनका पक्ष ले लेंगे। देखिए, समय की कमी है, फिर अभी 35 करोड़। देखिए, भ्रष्टाचार इन लोग को चुप कीजिए पहले। भ्रष्टाचार पे जो ये लोग यहाँ नैरेटिव बनाने का कोशिश कर रहे हैं, यहाँ की जनता जाग चुकी है, यहाँ की जनता भली भांति समझ चुकी है कि भाजपा के पास भ्रष्टाचार के नाम पे जिस तरह से एक भ्रम फैलाने का काम कर रहा है, इसमें झारखंड समेत पूरे देश के लोग इसमें नहीं आने वाले। आप ये बताइए ना, आनंद की घर से पैसा निकला क्या? आनंद की रावत के घर से ये पैसा निकला? इस तरह से पकड़ा जा रहा है पूरे झारखंड में, वो आप लोग से किसी से छुपा नहीं है। आप बताइए ना, धीरज साहू के घर से दिखाया था ना ये लोगों का बंडल? स्टेटमेंट धीरज बिल्कुल कमी है। देश में लोकसभा जो चुनाव हो रहा है वो रोजगार पर हो रहा है, वो महिलाओं के न्याय पर हो रहा है, वो किसानों पर हो रहा है, किसानों के मुद्दे को लेकर हो रहा है, संविधान के अस्तित्व की और संविधान के प्रावधानों की बातों को लेकर हो रहा है। इस पूरे चुनाव में कोई भी चीज असर नहीं डालेगी।
जनता अपने मन से अपना मतदान करने जा रही है और जनता ने मन बना लिया है कि किसको क्या करना है, वो अपनी सुरक्षा, अपने हित, युवा वर्ग, अपने अपने रोजगार को देख के, शिक्षा को देखकर मत देने जा रही है। और पूरे झारखंड में जो एक लहर चली है, इन्होंने जो अपने उम्मीदवार चेंज किए हैं हर जगह पर, उसको भी जनता ने देखा कि इनके सारे उम्मीदवारों को 10-10 वर्षों तक जनता ने समय दिया था काम करने के लिए, विकास करने के लिए, लेकिन बाद में इन्हें अपने उम्मीदवार चेंज करना पड़ा। तो हर जगह करीब 14 सीट पर इंडी गठबंधन के उम्मीदवार जीतने जा रहे हैं, बाकी फैसला 4 जून को तय होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम अतिथियों का हमसे जुड़ने के लिए और आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 25 मई को मतदान तीसरे फेज का होना है झारखंड में और 4 लोकसभा सीटों पर जो है ये मुकाबला कांटे का माना जा रहा है। हालांकि एनडीए और इंडिया दोनों अपने तरफ से जीत का दावा कर रहे हैं, हालांकि 4 जून को ही पता चल पाएगा कि जीत का परचम आखिर किसका लहराएगा। तब तक के लिए इस चर्चा में इतना ही और आप देखते रहें रफ्तार मीडिया।